Greetings everyone, I hope you all are doing great. I am Rocky Sharma, certified language trainer, and as I told you in my previous video that I will be with one of the most important topics on punctuation, that is the apostrophe. And this is the most commonly used mistake with that we do on daily basis. So let's just start with it. पहले तो the basic or the golden rule to understand an apostrophe is, हमें ये समझना है कि जब भी हम अपनी ownership या किसी के ownership के बारे में, किसी के possession के बारे में बात करें, तब हम apostrophe लगाते हैं. Apostrophe का symbol होता है ऐसे ऊपर में इस तरह का comma आ जाना, नीचे की तरफ नहीं but line के ऊपर में. जैसे कि अगर मैं बताऊंगी कि this is Sneha's garden, स्नेहा का garden है. So I will write it as her name, Sneha's, ये apostrophe लग गया, Sneha's garden. Okay, आप belonging अगर मुझे बतानी है, this is Raju's pen. So यहां पे मैंने apostrophe लगाया और यहां पे एस लगाया, राजूज पेन, ये उसका पेन है, ये राजू का पेन है. तो राजू का पेन, ये जो हिंदी का जो का है उसके लिए हम इंग्लिश में ये अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जब हम किसी की ओनरशिप, किसी की चीज के बारे में, किसी की बिलोंगिंग के बारे में जब हम बताते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक गोल्डन रूल्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग अपोस्ट्रोफीज टू अ पर्टिकुलर वर्ड. Now the most common mistakes that we do while using apostrophes are to make words plural. Word को हम plural बना देते हैं और वहां पे हम apostrophe लगाते हैं. Plural के साथ तो s by default होता है, ये हमें पता है, but हम क्या करते हैं, वो s के आगे हम apostrophe लगा देते हैं और इससे confusion create हो जाता है. So let's see, जो word है जैसे एक से ज्यादा गाड़ियों के लिए हम cars use करेंगे, not car apostrophe s. जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ कहीं, तो मैं बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए देखती हूँ, यू नो कार्स वर्कशॉप, तो ये कार्स वर्कशॉप नहीं, ऐसे नहीं होता. कार्स जो प्लूरल है वो सी ए आर एस ही रहेगा, उसमें अपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा. डीवीडीज एंड नॉट डीवीडी अपोस्ट्रोफे एस, नहीं, एक से ज्यादा डीवीडी की बात हो रही है तो वो डीवीडी एस आ जाएगा, इसमें अपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा. अगेन अगर मेरे को किसी ईयर के बारे में बात करना है, जैसे द 1970s एंड नॉट द 1970s, सिमिलरली 2023s, द 2023s एंड नॉट 2023s. अगेन अगर मुझे किसी के बारे में, किसी फैमिली के बारे में बात करनी है, द शर्माज, नॉट apostrophe. शर्माज नॉट apostrophe. कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो उनके घर के आगे नेम प्लेट, बहुत सुंदर सा नेम प्लेट लगा रहता है, बट इंग्लिश में वहां पे apostrophe की वजह से मिस्टेक हो जाती है. जैसे कहीं कहीं अगर हम जाए तो कोई लिखेंगे द शर्माज, तो वहां पे वो अपने घर के आगे जो नेम प्लेट है वो इस तरह से लगा देते हैं, ये गलत है, प्लूरल फॉर्म शर्माज ही रहे. अनदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ apostrophe इज दैट इज इट इज यूज इन कॉन्ट्रैक्शंस. कंट्रैक्शंस मतलब जब हम वर्ड्स को, दो वर्ड्स को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, उसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं. जैसे हम यूज करते हैं इट्स, इट माइनस एस. माइनस क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मैं इसमें से जो आपका आई है, आई कट जाता है और इसकी जगह apostrophe आ गया और हम उसको इट्स, इट्स अ लवली डे, इट इज अ लवली डे की जगह हम इट्स अ लवली डे बोल सकते हैं. हूज इज दिस, whose is this, ये किसका है. So who minus is, again यहाँ पे is कटा और is की जगह ये ऊपर apostrophe लगा और s आ गया. Whose house is this, ये किसका घर है. They are not coming today. So they minus are, वो आज नहीं आ रहे हैं. Where we are playing, we are playing, इस तरह से pronunciation आएगा. We are की जगह we are playing. I am teaching, जैसे I am teaching मैं बोलती हूँ, उसकी जगह मैं बोलूंगी I am teaching, am.
अब यहाँ पे ए कटा, ए की जगह मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया और एम लगा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना, किसी चीज को छोटा कर देना। आई एम टीचिंग की जगह मैं बोल रही हूं या लिख रही हूं आई एम टीचिंग। नेक्स्ट शी माइनस इज, शी इज कमिंग, वो आ रही है। ही इज जंपिंग, वो कूद रहा है। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। सो वेन एवर वी टॉक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इट इज एट दैट टाइम दैट वी यूज अपोस्ट्रोफेस ओवर देयर ऑल्सो। ऑलराइट, सो अनदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे व्हाइल इन प्लूरल फॉर्म्स, वी शुड नो हाउ डू वी यूज अपोस्ट्रोफेस व्हाइल यू आर स्पीकिंग ऑफ प्लूरल फॉर्म्स। लाइक द बॉयज क्लब हाउस, एक से ज्यादा बॉयज का क्लब हाउस, जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफे इधर नहीं लगाते हैं, वाई और एस के बीच नहीं लगाते हैं, तब हम अपोस्ट्रोफे एस के बाद लगाते हैं। द बॉयज क्लब हाउस। सिमिलरली द ट्विंस बर्थडे पार्टी, तो ये ट्विंस यहाँ पे नहीं अपोस्ट्रोफे आएगा, अपोस्ट्रोफे आएगा हमारा एस के बाद। सो प्लूरल फॉर्म्स में हमेशा एस के बाद जो लास्ट लेटर होता है उसके बाद अपोस्ट्रोफे हम यूज करते हैं। For more videos, stay tuned. Thank you so much for watching.